तो आज प्लानिंग हो गई है कि किचन को मॉडुलर किचन बनाना है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज गलन ज़्यादा है यार, 10 बज गया है, सुबह के 10 बज गए हैं, लेकिन उठने का मन नहीं कर रहा है। बच्चों की ऑनलाइन क्लास छोड़ के मैं यहाँ बैठा हूँ। सबसे पहले चाय। मौसम दिन पे दिन ठंडा होता जा रहा है। आज की बढ़िया बनी है, थोड़ी धूप दिख रही है, लग रहा है कि आज भी धूप निकलेगा। सिलेंडर कहाँ है दूसरा वाला? कल रात में बर्तन इतना भरा हुआ था यहाँ पे, ना मम्मी को पता है ना वाइफ को पता है। मम्मी सोच रही वाइफ ने धोया, वाइफ सोच रही मम्मी ने धोया। धोने वाला कभी कभी हेल्प कर देना चाहिए। जब ब्लॉग देखेंगे तब मालूम चलेगा हमारी बचपन की तस्वीर सिस्टर के साथ, जिसकी भी शादी हुई है। ये दस बज रहा है, 10। मैडम 2-3 दिन से नाराज चल रही हैं मुझसे। सुबह उठी थी 5 बजे, सारा काम खत्म करके फिर सो गए हो। तबीयत ठीक ओ नहीं है सारा, तो। हाँ तबीयत ठीक नहीं। आज व्रत है हम लोगों का, पानी भी नहीं पीना है। चलो आराम सो जाए। ये चुन्नू मुन्नू का पोर्ट्रेट। टेस्ट शुरू हो गया है? टेस्ट है ना ये? हाँ मालूम है ना आंसर? हाँ तो करो। आपको पता है नर्स वर्क्स इन अ ये ब्रैकेट हॉस्पिटल और स्कूल। हाँ क्या है? स्कूल तो मम्मी कहाँ है? थोड़ा साफ है आज, धूप अच्छी निकलेगी। मम्मी पिताजी यहीं सोते हैं ऊपर, देखिए कैसे फैला कर रखे। ये बाहर नहीं सूख रहा है, अंदर सूख रहा है शीशा के सामने। पुराना हो गया ना, शादी में आया था सिस्टर के लिए 28 नवंबर, 28 के 25 को आ गया था। खाली है पूरा रूम ऊपर का हमारा, कोई नहीं रहता है, बस बिस्तर लगा हुआ, जिसको सोना है आके सो जाता है। काफ़ी बड़े हो गए हैं, अब उनको कमरे से बाहर निकालना पड़ेगा। लाया था छोटे छोटे थे। सर ऊपर रखकर रखो, इसलिए राइटिंग आपकी खराब हो। सर नीचे क्यों गड़ा लेते हो यार? टॉल बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स एंड ट्रीज। जय महादेवाय नमः। आरती आरती लो, सुनो आरती। मैं बोल रहा था कि बच्चों के वजह से ना हमारा कोई ठंड ज्यादा है यार। बोर्ड पे ट्रायल भी हो गया है,
बढ़िया है, कंफर्टेबल है, बैठ के आराम से आप लिख सकते हो इसमें। तो आज प्लानिंग हो गई है कि किचन को मॉडुलर किचन बनाना है, दो के आसपास आपका कॉस्ट आएगा, एक्रेलिक बेस में बना रहे हैं इसको। में चेंजेस आया, जैसे अलमारी है, खिड़की है जो, ये हट जाएगा, कोई मतलब नहीं इसका, ऑलरेडी हमारे पास एग्जस्ट ऊपर है। पकड़ना पड़ेगा भैया, लगभग 8 फीट 7 फीट 8 फीट भी नहीं, 8 फीट में 3 इंच कम है, चलिए कोई नहीं, 12 फीट नहीं नहीं 12 कैसे होगा, नहीं 10 फीट, हाँ 12 दे, हाँ 10 फीट 5 इंच, 10 फीट 5 बताए। ये तो भैया का डायरी में जाकर फिर क्या चल ही रहा, इसका आउटर लुकिंग बहुत फिनिश है, बहुत अच्छा है, इसीलिए हम लोग एक्रेलिक में भी आजकल हम लोग ज्यादातर वार्डरोब, एक्रेलिक में क्या आजकल लंबी उम्र भी रहती है उसकी, लाइफ भी लॉन्ग रहता है, प्लस पानी वानी सब का टेंशन नहीं, दीमक वगैरह कुछ नहीं, और जिस हम जगह पे हैं यहाँ पे दीमक ज्यादा है। तो आज ऑन ड्यूटी आए हैं हम थोड़ा बाहर डोसा खाने के लिए, क्या है ये, पनीर उत्तपम, पनीर एंड ऑनियन, और ये कौन सा डोसा भैया, मैसूर, मैसूर डोसा, साथ में चटनी, शर्मा जी लेट्स एंजॉय, थैंक यू भाई, भाई इसको हटा दो, टेस्टी है भाई, कैसा पिछली बार खा के गए थे, मज़ा आ गया, आपको आया मज़ा, अच्छा लगता है। प्लानिंग यही रहती है हफ्ते में एक बार बाहर निकले, आज निकले थे, पूजा हो रही है, संकट चौथ के, तिल चौथ के, तिलवा चौथ के लिए प्रसाद, पूजा कर लेंगे तब तो मिलेगा प्रसाद, है ना, दर्द लीटर 13-12 ये अरग दिला रहे हैं ना, जय चंदा, नीचे गिराओ ना, कहाँ गिराओ, तो गिरा नीचे, कहाँ चंदा, कहाँ उपा, अच्छा वो वो छोटा सा, रात के 2 बज चुके हैं, करेंगे इस ब्लॉग को एंड, होप आप ये ब्लॉग को एंजॉय करेंगे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।